हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं अपने फ्लैट में, तो फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हम आए हैं देखने। अभी तो ब्लॉक में बने रहना, चलते हैं आगे लिफ्ट। काफ़ी टाइम बाद आए हम लोग यहाँ पे। द डोर इज क्लोजिंग। कौन से फ्लोर पे? चौथे। भूल गए क्या? भूल गई, काफ़ी टाइम बाद आई ना। मकान को भूल जाओगे? नहीं मकान नहीं, मकान नंबर भूल गई। कौन से फ्लोर पे? 406। सो फ्रेंड्स, चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्लैट के अंदर जाने का रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, मुझे लगा पता नहीं कैसा लगेगा, उन लोग को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे बाहर का व्यू रिकॉर्ड इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब हमने फ्लैट लिया था तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बिल्कुल ये फ्लैट जंगल में था और हमने बस एक इन्वेस्टमेंट किया था ये इसके लिए। और यहाँ पे ये रहे हमारे रेंट पे जिनको हमने दिया है फ्लैट, बहुत अच्छे हैं। सो यह सारा व्यू हमारे बालकनी से दिखता है, बस इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी कि कितनी जल्दी चीज़ें ग्रो कर गई। यहाँ पर सब रहने भी आ गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है यहाँ पर। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, हम आ चुके हैं नीचे गार्डन। धूप बहुत है, खेलोगे गार्डन में? चलो सभी हम रिटर्न जा रहे हैं घर। और काढ़ा धूप गार्डन में थोड़ा सा खेलता है लेकिन गार्डन में है धूप। चलो तेज तर में देखा, घूम के आएंगे। आगे नहीं देखते। अभी हम लोग जा रहे हैं बाराजड़ी और यहाँ पे इतना सारा, इसको बिठा दूँ? चलो यहाँ पे हम लोग आए थे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे सब बन गया है। यहाँ पे बैग के देखो, यहाँ पे ये सब नया नया बन रहा है। ये सामने सब खाली पड़ा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये सामने सब बन गया। ये नई नई दुकान, ये दुकान बन रही, क्या बन रहा है ये? यहाँ पे सारी दुकानें चालू हो चुकी हैं। जब हम लोग यहाँ पे अपने पहले फर्स्ट टाइम आए तो बिल्कुल वो लग रहा था खाली खाली एकदम, जिस जंगल जंगल था पूरा। वो बोल रहे थे भाड़े वाले कि इसको जंगल ही बोलते, जंगल के नाम से ही जानते हैं। और ये इसकी ओपनिंग हुई थी शायद, जब सेकंड टाइम आए थे चाबी लेने, इसकी ओपनिंग हो रही थी नीचे वाले फ्लोर, नीचे वाली दुकान की बंद। अभी हम लोग जा रहे हैं तरना दीदी के यहाँ। कितना काफ़ी अच्छा लगने लगा यहाँ पे, पहले पीछे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान लगा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तरुणा दीदी लोग तो ऑफिस गए होंगे सब, क्योंकि यहाँ से बाराजड़ी सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोग घूम के आते हैं। वैसे हम अपना घर की चाबी भी लेके नहीं आए, नहीं घर भी जाते चलेंगे घूम के आएंगे, चाबी तो लेके आए नहीं, ऐसे देख के आते हैं। अभी धूप भी बहुत ज़ोरदार निकली है। तो गाइस, हम आ चुके हैं तरुणा दीदी के घर और घर पे कोई भी नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद था। पहली बार ऐसा हुआ है। चाची गए हैं शायद बाहर, तरुणा दीदी तो नौकरी गई है, हिमांशु भी है, चाची गए बाहर, अभी आ रहे हैं 10 मिनट पहले। तो हम लोग घर पे हैं अकेले पूरे घर में। ऊपर बाबा होंगे नहीं? शायद बाबा होंगे, ऊपर सो रहे होंगे। तो भैया को फ़ोन किया, भैया बोले दरवाजा खोल के बैठो, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कैसा लग रहा है खाना? मजा आ रहा है? हाँ। सही, वेट कर रहे भैया का, आते हैं फिर। बुआ का हम सोचे कि बुआ नौकरी गई है, बुआ से बात करनी थी। बुआ को फ़ोन लगाते हैं। चलो आते हैं दीदी लोग, दीदी तो आएगी नहीं, वो तो शाम को आएगी। चाची और भैया आ रहे हैं, अभी 10-15 मिनट लगेगा। तो ये देखो आ गए घर के मालिक हिमांशु भैया। भैया लोग गए थे बाहर, हम सब आए तो घर खाली था, भैया भी लेके आए। ये अबे तो ज्यादा लंबा हो गया यार, आता नहीं भाई, बहुत गलत चीज है। चलो गाइस नाश्ता कर लो। गाइस नाश्ता लेके आए भैया ने, नाश्ते में क्या क्या लाया? भजिया, मिक्स भजिया, और यहाँ की गुजरात की फेमस कढ़ी, कढ़ी और भजिया। चलो आ जाओ। तो ये है यहाँ पे हम लोग आते हैं घर जैसे। शादी में ये घर की मालकी। अच्छा एक मिनट,
बेटा हाँ क्या खोलू, यहाँ पे कान्हा को मिल गई है ये घड़ी। अभी तरना बुआ नई घड़ी लेके आएगी बाबू के लिए। देखो दीदी के पुराने घड़ी, बुआ के पुरानी घड़ी पहना है ना। ये घर की मालकिन बुआ जी आ जाए ना तो बोलो मुझे नई घड़ी ले दो है बेटा, तो राखी नहीं चाहिए है ना। ऐसे होती बच्चों को भड़काती है चांदी की बोला बेटा चांदी की घड़ी चाहिए या तो घड़ी चाहिए। ऐसे दादी होते बच्चों को भड़काती है, बोलते चांदी घड़ी चाहिए, चांदी की राखी। हाँ बेटा बोल दो, एक बरस में आता है, एक बरस में बुआ नहीं ले जाती लूट के। करना वो वीडियो देखेगी तो बोलेगी वाह मेरी माँ ही सबको भड़का रही है। बेटा बुआ लूटती है। बोलो कोई बात नहीं, बुआ का हक है, वही भतीजा का भी तो हक है, एक बरस में एक ही बार आते हैं राखी। चाची मेरी ड्रेस में अच्छी लग रही है साड़ी से ज्यादा। थैंक यू यार, पहना कर अच्छा लगता है ड्रेस सही में। बहू के सामने और मैं सास पहने अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ऐसे ही, ऐसे ही सास अच्छी लगती है। बहू के अचानक आ गई है तो क्या हुआ, अचानक ही सच्चाई पता चलती बता के नहीं नहीं अच्छा लगता, सही में अच्छा लगता है सारी से ड्रेस। चलो हम लोग करने वाले हैं नाश्ता, ये मिक्स भजिया और समोसा। वहाँ आपका समोसा रखा है, खा लो आप। अभी आए तब ना कभी फोन करते, देखते दीदी आ जाए तो इतना ही था। तो तुम लोग में अलग है क्या? राम आ जाओ बेटा खाने आओ। थोड़ा लगेगा नहीं, थोड़ा सा अलग आ जाओ। हाँ बैठेगा, बैठूंगा, बैठो इस पे। आ जाओ बाबू, आ जाओ इस पे, गर्मी लगेगी बाबू। तो सबसे ज्यादा सुकून सही अपने घर में मिलती है। तो अभी अभी हम सब आ रहे घर, कान्हा यहाँ पे पी रहा है दूध, और आज तो पूरा दिन बाहर निकल गया। अभी बज रहे 7:30 हो गए और कसू भी घूम के आई है ना कहीं। आप पहली बार में कसू को छोड़ के गई थी कहीं? रो रही थी, अम्मा भी गई थी, दीदी क्या क्या रो रही थी, आज बहुत पूरा दिन हम लोग बाहर ही थे, मजा आया। तो सोचे कि बारिश, उधर बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश नहीं, उधर बारिश भी हो रही थी। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया। 15 अगस्त के दिन हम लोग भी आजाद से खूब घूमे क्या, पहले फ्लैट पे गए, फिर अपने पुराने वाले घर पे गए, फिर तरुणा दीदी के यहाँ गए, फिर घर आ गए। भाड़े वाला था, बंद था, ताला बंद था, लॉक लगा था, वहाँ पे चले आए। चलो बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, बाय।